साल 2011 में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना के 10 साल गुजर जाने के बाद भी बच्ची और उसका परिवार मदद की बात जो रहा है। साल 2011 में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना के 10 साल गुजर जाने के बाद भी बच्ची और उसका परिवार मदद की बाट जो रहा है। बच्ची से बलात्कार की घटना के बाद से ही वरिष्ठ अधिवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मैदान संभाला था। इस मामले में आरोपी को तो सजा हुई, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने पीड़िता की सुध नहीं ली। हालांकि द्विवेदी घटना के बाद से ही पीड़िता परिवार की हर संभव मदद करते आ रहे हैं। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उसे बेहतर शिक्षा और परिवार की जीविका चलाने के लिए मदद की दरकार है। ठीक है, घटना क्या थी और किस तरह से मदद चाहते हैं और आपने किस तरह से मदद कर रहे हैं? सुन, 2011 में सालवी वाखन अपने नानी के यहाँ ये बालिका आई थी, जब इसकी उम्र थी 1 साल। इसके घर में ही सो रही थी आरोपी तपेली, इसको उठा के ले गया, बलात्कार किया, लोहलुहान होकर के वो झाप टापरी पे ही छोड़ दिया। मल्हारगंज पुलिस में रिपोर्ट हुई, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। बाद में मेरे ऑफिस में ही एक जने और हैं, उनकी बेटी की हत्या बलात्कार के पे करके की गई थी। जब उसी आरोपी को पुलिस मल्हारगंज ने पकड़ा था, बहुत हंगामा हुआ। सालवी वाखल की हजारों जनता मेरे पास आई थी और मैंने उस पूरी लड़ाई को लड़ी थी। उसी समय इस घटना का पता अपराधी ने खुद कबूल करते हुए की। पुलिस ने जिस घटना को संदिग्ध माना था, बाद में अपराधी के द्वारा स्वयं कबूल किया गया। बच्ची का फिर इसके रिपोर्ट लिखी गई 1 महीने बाद। हमारी संस्था उस समय पालदा के मामले में लड़ाई लड़ रही थी। सारिका जो सालवी वाखन में जिसकी हत्या हुई थी और बलात्कार करने के बाद हत्या हुई थी, उस मामले को लेकर के भी हम मैदान में थे। इस घटना को लेकर के भी मैदान में थे। कानून अपना काम करता रहा, प्रशासन अपना काम करता रहा, सरकार की कई योजनाएं हैं, पर इस गरीब परिवार तक कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला। 10 साल हो गए घटना को, जितना भी मुझसे बन पड़ता है मदद करता रहा। मैं चाहता हूं कि सरकार की किसी भी योजना के माध्यम से इस परिवार को आत्मनिर्भर बना दिया जाए। मदद शून्य बराबर है। लड़की अब बड़ी हो रही है, उसके मन में जो पुरुषों के प्रति खौफ था, और दुर्भाग्य ये देखिए कि 6 महीने बाद ही इसका स्वस्थ पिता घटना के, जो कि एक हष्ट पुष्ट युवक था, इस घटना से इतना हाथ हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई थी अटैक से। खेत इनके गिरवी पड़े हुए हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल है। सरकार जो भी योजना के माध्यम से जो भी करना चाहे, मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वो अपने तय इनकी मदद प्रशासनिक स्तर पर किन किन योजनाओं के माध्यम से कर सकती है वो करे। साथ ही मैं अपने मित्रों से अब अपील करने जा रहा हूं कि वे इस पूरी मुहिम में, अब इसको आत्मनिर्भर बनाना है तो महिला अगर कोई छोटा मोटा रोजगार उसके गांव से चालू करना चाहेगी तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। इसलिए आज जब वो सहयोग लेने आई हैं, आप मित्रों के माध्यम से केवल एक अपील करने के लिए कि ऐसा कोई भी पीड़ित परिवार किसी घटना से, भगवान न करे किसी के साथ इस प्रकार की घटना हो, समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा सरकार की मदद और कानूनी कार्रवाई अपर्याप्त है। हमें आगे बढ़ाने के लिए उसके मन के अंदर बैठे हुए डर को बढ़ा खत्म करना है। और खुशी का मौका यह है कि वो बच्ची अब डर से अलग हो गई है, पुलिस बनना चाहती है, और इसके लिए जो भी प्रयास हमारे स्तर पर होंगे हम करेंगे। पर शासन प्रशासन अगर पढ़ाई और अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उसके हाथ मजबूत करता है तो हम उसके साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हैं।
9-10 साल पहले बच्चा जो घटना हुई थी क्या मामला था और अब क्या मदद चाहते हैं सरकार से आप? कुछ नहीं, मैं तो सरकार से मदद चाहती हूँ कि लड़की की पढ़ाई हो अच्छी, उसको सरकार तरफ से और मिले योजना कुछ भी। अभी तक कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हुई है उसकी। 2011 में क्या घटना हुई थी? ऐसे ही वो केस हो गया था बलात्कार का। अब मैं ये चाहती हूँ कि कोई हमारा काम हो, कोई किराना दुकान उकान कुछ भी हमारा। हाँ, 9-10 साल से आप परेशान चल रहे हैं, दाड़की गाँव की दाड़की करके खा रहे हैं जी। बस यही उम्मीद है कि कुछ मिल जाए थोड़ा घना। आवेदन दिया उसको किसी से मिले आप? नहीं मिला वो धन तो किसी से भी कुछ भी नहीं। वकील साहब की तरफ से लगातार मदद मिली आपको? हाँ, वकील साहब से तो मिल रही है जी। दे रहे हो तो मदद कर रहे हैं। कितने साल से मदद करते आ रहे हैं? वो जब से ही कर रहे हैं। तो आप दिल से क्या कहना चाहते हैं, मन से क्या कहना चाहते हैं बच्ची के लिए? कुछ नहीं, कि वो उसकी पढ़ाई भी नहीं हो रही है, सरकार में बना रहे उसको तो वहाँ से भी ढंग से पढ़ाई नहीं मिल रही। तो ये है कि कोई अच्छा स्कूल में पढ़ ले वो तो अच्छा मिल जाएगा, और क्या कुछ यही है।